अक्टूबर, ये वो आखिरी महीना था जब इस चैनल पे कोई कहानी हमने अपलोड की थी। और उसके बाद के 3 से 4 महीने हमने ट्रैवल तो बहुत जगह किए, बट वो सारी कहानियाँ हमने कभी इस चैनल पे अपलोड नहीं करी। बस आज वही कुछ कहानी हम लेके आए हैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने के लिए। कोयम्बटूर से घर लौटने के बाद और घर वालों के साथ बहुत ही प्यारी दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद हमने सोचा कि 2022 की शुरुआत तो हमने बहुत ही प्यारे रोड ट्रिप के साथ की थी, तो 2022 के आखिरी में एक रोड ट्रिप का प्लान तो करना बनता है। हाँ जी, तो आज तो ना कोई सोलो ट्रैवल होने वाला है और ना ही कोई ट्रेन जर्नी। जैसे पिछले कहानी में हमने ये साल का दूसरा सोलो ट्रैवल किया था, वैसे ही अभी हम निकल पड़े हैं ये साल का दूसरा रोड ट्रिप करने के लिए। और अभी जो हमारी कहानी होने वाली है वो होने वाली मुंबई से शिरडी की तरफ की। बाकी रोड ट्रिप है और रोड ट्रिप वाली वाइब क्रिएट ना हो इस ब्लॉग में तो मज़ा नहीं आएगा, तो चलिए रोड ट्रिप की जो वाइब है वो क्रिएट करते हैं। बाकी सफ़र शुरू है और स्टार्ट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिरडी। और शिरडी हम कल रात को 8 बजे पहुंच चुके थे। बाकी 9 घंटे की राइड के बाद कल हमारी किसी की भी हालत नहीं थी कि हम इस कैमरे के सामने आए। बाकी अब बज रहे सुबह के 5 और अब जा रहे हम शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए। बाकी कैमराज अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो जितना कुछ होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, बट आजू बाजू के जो वहाँ की वाइब्स है वो हमने कोशिश की है कि यहाँ पे कुछ छोटा सा वाइब क्रिएट कर पाए। तो आपने सोचा है केदारनाथ मंदिर मुंबई से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है और हम कभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं? जी हाँ, ये कुछ झलकियाँ हैं वहाँ की। मुंबई से हो और अगर आप वृंदावन किसी रीज़न से ना जा पाओ तो मुंबई में एक बहुत ही प्यारा मंदिर है इस्कॉन टेम्पल। एक मंदिर है इस्कॉन टेम्पल जो वृंदावन में है और एक हमारे मुंबई में कृष्णा जी की नगरी। तो इस 4 महीने के दौरान हम किधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, बट हमने कोशिश की कि एक बार हम इस्कॉन टेम्पल जाके हैं और वहाँ की कुछ वाइब्स है जो हमने। हाँ जी, तो अब उस कहानी की बात करते हैं जिस कहानी के लिए आप सभी लोग इस वीडियो में आए हो और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस कहानी को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। रुको
रुको रुको रुको रुको, ये होम टूर स्टार्ट करने से पहले ये जो छोटा सा हमने BTS क्रिएट किया था कि हाउ वी स्टार्टेड दिस होम रेनोवेशन वाला पार्ट फ्रॉम ज़ीरो टू द फाइनल प्रोडक्ट, वो ज़रा देखना तो बनता है, क्योंकि ये जो 4 महीने हमने हमारा जो घर बनाया ना, ये जो छोटा सा जर्नी हमने क्रिएट किया वो ज़रा देखिए, द ओल्ड होम टू द न्यू होम जर्नी 4 मंथ्स की, हियर इट इज़। सो फाइनली हम यूट्यूब पे वापस आ चुके हैं। आई नो 3 से 4 महीने के बाद हम यूट्यूब पे अपना इस चेहरे को बता रहे, बट क्या करें, कुछ काम में बिजी थे। और वो काम क्या था, हम अपना छोटा सा घर बनाने में थोड़ा सा बिजी थे। और आज है हमारे घर की सत्यनारायण की पूजा, जो आप देखने वाले हो। और कोई भी फंक्शंस फैमिली के बिना अधूरा होता है, तो आज आपको इस वीडियो में हमारी पूरी फैमिली दिखने वाली है। तो एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है मैंने मेरे फैमिली के लिए और हमारे इस प्यारे यूट्यूब फैमिली के लिए। तो 4 महीने की ये जो मेरी खुशी है, ये मेरे चेहरे पे दिख रही है, वो आपको आज अभी जो आप देखोगे छोटा सा सिनेमैटिक शॉट्स, हमारी सत्यनारायण की पूजा, हमारी फैमिली गेट टुगेदर और हमारा छोटा सा घर का जो सिनेमैटिक्स है, वो एक छोटा सा ड्रीम होता है हर किसी का अपना घर बनाने का, वो आज फाइनली जाके पूरा हो रहा है। सब्र रखो, इस वीडियो के बाद बहुत कुछ मैं अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि बहुत स्पेशल है। हमने बीच में बहुत जगह ट्रैवल भी किया है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो स्टे ट्यून्ड। बट पहले फैमिली फंक्शन, सत्यनारायण की पूजा और हमने जो घर बनाया उसका एक छोटा सा झलक। हवा नहीं जाता उसमें, ये आप जितना बजाओगे वही बजता है उसमें, ये जो होता है ना, ये जितना आपका आवाज रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ये अच्छा बजेगा, वो नहीं रहेगा तो नहीं बजेगा, ये हवा से नहीं बजता है, हवा नहीं लगती
2023 का पहला महीना ख़त्म होने जा रहा है और हमारे चैनल पे एक भी ट्रैवल स्टोरीज अपलोड नहीं हुई है, मतलब थोड़ी सी बात हजम नहीं हो रही, तो बात को ज़रा साइड रखते हैं और अभी चालू करते हैं 2023 का पहला ट्रैवल सीरीज़।